आप ठीक है? अल्लाह का करम, शुक्र है। मैं साहब सुनाओ जी, करम अल्लाह का। मैं एस्ट्रोलॉजर के साथ वीडियो करता हूँ, लेकिन मैंने कहा इलेक्शन है, थोड़ा सा हम बाकी सूबों के बारे में भी जाने, आपसे भी जान ले कि पेशावर में इलेक्शन का माहौल कैसा लग रहा है आपको। इलेक्शन का माहौल तो बिल्कुल ठंडा है, जैसे मौसम पिछले दिनों ठंडा था, धुंध छाई हुई थी, वैसे ही माहौल भी मुकम्मल तौर पे ठंडा है। क्योंकि पहले हमने 2008 के जब से फील्ड में आए हुए हैं, 2008, 13 और 18 का इलेक्शन, फिर दरमियान में ज़िमनी इंतखाबात, फिर उसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात, ये तमाम चीजें हमने कवर की हैं। बल्दियाती इंतखाबात में बड़े बड़े जलसे होते हुए हमने देखे हैं, लोगों ने अपने पावर शो किए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पावर शो नहीं कर रहा। बस वो जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं या हल्के के अंदर ही किसी इलाके के अंदर छोटे मोटे से 200 लोगों के जलसा, 150 लोगों का, 300 लोगों का, बस ये गैदरिंग्स जो है वो हो रही हैं। कोई पार्टी जो है वो पावर शो नहीं कर रही। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही मैं एमएल वली की तरफ जब वली बात किया हूँ, तो मैंने उन्हें भी कहा कि आप तो एनपी क्योंकि नेशनल पार्टी है यहाँ पे हमारे सूबे की, तो उन्हें तो एक पावर शो करना चाहिए और उनके पास तमाम कैंडिडेट्स भी हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मसला ये है, बहुत सारी अच्छी पार्टियों के पास जो है वो कैंडिडेट्स नहीं है। जैसे कि अभी एक नई पार्टी बनी गई है परवेज हटक ने, परवेज हटक के पास भी तमाम कैंडिडेट्स नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में टोटल सूबाई सीटें जो है वो 115 है और 45 कौमी सीटें हैं, तो 160 जनरल 160 कैंडिडेट्स आपके पास होने चाहिए। सूबे में हमारे पास जब तक ये फाटा था, अभी तो जम अजला हम उसे कहते हैं, तो जम अजला की अपनी 16 सीटें हैं और खैबर पख्तूनख्वा की 99, तो अभी अगर पूरा सूबा एक ही कर दें तो 115 हो गई, 45 जो है वो टोटल सूबे की हमारी, तो उनके पास भी नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास भी नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्टियां हैं मुल्की, और इनके पास मुकम्मल कैंडिडेट्स ना होना एक बड़ा मतलब, चले परवेज फटक की नई पार्टी है, चंद महीने पहले ही बनी, उनके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जो कि सूबे में इकतदार पे भी रह चुकी हैं, इकतदार कर चुकी हैं इन सूबे में, इस सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में, और उनके पास मुकम्मल कैंडिडेट्स ना होना जो है, उनको बैठ के इस चीज पे सोचना चाहिए कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में क्या ऐसी चीजों की कमी है। खैर ये चीजें तो अलहदा है, पार्टी के अंदर के मसाइल हम अभी नहीं डिस्कस करते, वरना वो भी हम बता देते अपने व्यूअर्स को। लेकिन अभी इलेक्शन पे जब बात हो रही है, तो इलेक्शन पे फिर मैं आपको दूसरा ये बताऊं कि इन पार्टियों ने आपस में अपनी सीट एडजस्टमेंट भी नहीं की। सीट एडजस्टमेंट जो है वो एक ना होना जो है वो बहुत इन पार्टियों के लिए, जो कि कुछ अरसा पहले तक जो है वो एक ही ग्रुप था, तमाम एक तमाम पल रहा एक तरफ था, और एक तरफ जो है वो साबिक चेयरमैन थे। साबिक चेयरमैन का नाम जो है वो यहाँ पे अब किस तरीके से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए अब मुझे नहीं पता, क्योंकि बड़ी जगहों पे नहीं लिया जा रहा। तो अभी ये लोग आपस में भी बैठे हैं, एमएल वली भी बैठा है मौलाना फजलुर रहमान के भाई के साथ, अताउर रहमान के साथ, और इसके अलावा जो है अमीर मकाम जो है वो बैठे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो साबिक उनके सूबाई सदर ज़ाहिर शाह, साबिक डिप्टी स्पीकर चखरमट्टी साहब, और पीपल्स पार्टी के जो अभी कायदीन हैं वो बैठे हैं, लेकिन वो अपनी सिर्फ पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट दूसरी पार्टियों से इस वजह से नहीं हो पा रही थी कि वो सिर्फ अपने टिकटों की बात कर रहे थे। अच्छा, सिर्फ एक सीट पे अभी तक सीट एडजस्टमेंट हुई है, शांगला में हुई है, अमीर मकाम ने की है, और अमीर मकाम ने भी देखें, अमीर मकाम इस टाइम पे सूबाई सदर भी है। अमीर मकाम को चाहिए था, उसके पास जब पूरे सूबे में तमाम कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो उसे सिर्फ अपने हलके के लिए नहीं सोचना चाहिए था, उसने जीयूआई के साथ की है सीट एडजस्टमेंट अपने हलके में, तो उसे पूरे सूबे के बारे में सोचना चाहिए था, उसने भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। अमीर मकाम क्योंकि कहते हैं कि अमीर मकाम का नाम जहाँ पे आता है वहां पे काम का नाम आता है, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं तो उसे अपनी पार्टी के लोगों के लिए। फिजान भाई एक बात, फिजान भाई केपीके की एक बड़ी तारीख है, बड़े बड़े सियासतदान कायदे आजम के दौर में भी यहाँ से होके गुजरे हैं, क्या जो बल्ले का निशान एक छीना गया है उनसे, एक जमात से वापस लिया गया है, क्या ये डर खौफ था केपीके के लोगों का? आप किस तरह देखते हैं केपीके के लोग
किस तरह उन कैंडिडेट के साथ खड़े होंगे, क्या तब्दीली आपको नजर आएगी कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी? देखें, एमएस इस तरह नहीं है, इस तरह है कि जब पोलिंग बूथ के बाहर लोगों ने कैंप लगाए होते हैं इलेक्शन के दिन, आपने भी कवरेज की होगी, गए होंगे, वोट हमारे व्यूवर्स को भी पता होगा। अब जो लोग ये आजाद तस्वर किए जा रहे हैं, अब जो लोग जो तरीके इंसाफ को ओरिजिनल कैंडिडेट है उसने भी अपने कैंप के बाहर जो है इलेक्शन के दिन तरीके इंसाफ का झंडा लगाया होगा, दूसरे ने भी लगाया होगा तरीके इंसाफ का झंडा कैंप लगाया होगा उसने, तीसरे ने भी लगाया होगा, जो आम नॉर्मल लोग हैं जिनका ना सियासत में कोई अमल दखल है, जो सिर्फ इलेक्शन के दिन निकलते हैं, सुबह अपने काम पे जाते हैं, कारोबार पे जाते हैं, थोड़ा बहुत अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई सियासत को देख लिया, वरना बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता ना सियासत के बारे में ना रहनुमाओं के बारे में, बस जो कोई JUI का वोटर है तो वो कहता है बस मैंने JUI को देना है बस, उसका और कोई ना नजरिए से काम है ना कुछ है, उसके आबाओ अजदाद जो है JUI, जब वो निकलेगा जो नॉर्मल आम वोटर है, जो जिसको हर पार्टी जो है टारगेट करने की कोशिश कर रही थी, जो वोटर जो है इमरान खान वो तहरीक इंसाफ की तरफ गया था, तो उस वोटर को हर पार्टी ने टारगेट करने, वो वोटर जो है वो कंफ्यूज होगा इलेक्शन के दिन कि इसमें ओरिजिनल तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन सा है। ये एक मेरी अपनी जाती पर्सनल राय है जो हमने इलेक्शन कवर भी किए हैं और अभी जो मुझे नजर भी आ रहा है, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज है, तहरीक इंसाफ का ही दूसरा आजाद खड़ा हुआ है, दूसरा भी दो बंदे एक ही हल्के से खड़े हुए हैं और दोनों तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, तो अब वो वोटर जो है किसकी तरफ जाए, लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि पार्टी ने तो एक बंदे को टिकट दिया लेकिन वो तो आजाद है। तो इस तरह इस मरतबा हमारे सूबे में अगर हम देखें, यहाँ पे खवातीन भी जो है इस मरतबा काफी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और हमारी सूबे की तारीख रही है कि यहाँ पे खवातीन ने हिस्सा लिया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी कौमी नशिस्तों पे आज तक सिर्फ एक ही खातून इलेक्शन जीत सकी है, नसरत भुट्टो मोहतरमा 1988 में खड़ी हुई थी चित्राल से, उन्होंने ये इलेक्शन जो है वो जीता था। 40 कौमी असम्बली की खवातीन अभी तक हिस्ट्री अगर हम देखें 1998 से अभी तक 2018 तक, तो सिर्फ 40 खवातीन जो है कौमी असम्बली की नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जिसमें एक अभी तक सिर्फ नुसरत भुट्टो साहिबा जो है 1988 में इलेक्शन चित्राल से जीती थी। इसी तरह अगर हम सूबाई हलकों की बात करें तो सूबाई हलकों में फिर अच्छा है, सूबे में खवातीन जो है वो इलेक्शन जीत चुकी हैं, 98 में जीता था अवामी नेशनल पार्टी की ही बेगम नसीम वली ने, 4 बार इलेक्शन सूबे यहाँ से वो इलेक्शन जीत चुकी हैं। अब आखिरी मरतबा की अगर हम बात करें तो आखिरी जो यहाँ पे हमारे सूबे में सीट जीती थी वो हारून बिलोर साहिबा की शहीद की समर बिलोर साहिबा जो है उनकी बेवा जो है वो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, वो जिमनी इंतखाबात में 2018 के बाद उन्होंने इलेक्शन जीता था। तो इस मरतबा भी 38 खवातीन जो है वो यहाँ से खड़ी हुई हैं। इवन बुनीर से एक हिंदू लड़की जो है इस मरतबा इलेक्शन लड़ रही है। तो हमारे सूबे में तो जैसा कि आपने कहा हमारा सूबा जो है वो तब्दीली बड़ी पसंद करता है, लेकिन अभी देखते हैं, इस मरतबा खवातीन ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के बीच में हिस्सा लिया है, पार्टियों ने तकरीबन तमाम पार्टियों ने खवातीन को जो है वो टिकट दिए हैं, तो ये चीजें। अच्छा, थोड़ा सा मेरा आपसे सवाल ये, क्या तरीके इंसाफ ने इस पर वर्किंग नहीं की हुई कि उनके अब कैंडिडेट जैसे असद कैसर भी आपके केपीके से हैं, मोहम्मद अली खान भी हैं, बहुत से लोग केपीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज भी केपीके से मंसारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको, परवेज खटक साहब अपनी सीट जीत पाएंगे? आपने कहा कि कैंडिडेट इन बड़ी जमातों के पास तो केपीके में कैंडिडेट पूरे नहीं है, तो मेरा ख्याल इन्हें इतिहाद कर लेना चाहिए, अब मुखालिफ पार्टी तो बिल्कुल निशान पे तो है नहीं ना, तो ये तो इतिहाद करके भी सीटें जीत सकते हैं। बिल्कुल इतिहाद इनको करना चाहिए था लेकिन इनका इतिहाद नहीं हो पाया और अभी इतिहाद का टाइम भी खत्म हो गया है। मैं गुज़िश्ता दिनों जब परवेज खटक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, परवेज खटक ने कुछ अर्से पहले एक बयान दिया था कि सीट एडजस्टमेंट हम तहरीक इंसाफ के अलावा हर एक के साथ करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद उनकी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गया, तकरीबन उनकी शमूलियती इजलास शमूलियती प्रेस कॉन्फ्रेंस हर हफ्ते हो रही है,
तो तकरीबन तमाम की तमाम ही मैंने कवरेज की है उनकी। तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ एक महीने बाद में गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब मैं जब कल गया एमएल वली साहब से मिला तो एमएल वली साहब का ये कहना था कि परवेज खटक के साथ सीट एडजस्टमेंट हमारी नहीं हो पाई। मैंने कहा परवेज खटक साहब ने तो कहा कि हम सीट एडजस्टमेंट करना नहीं चाह रहे। कहते नहीं, हम बैठे थे, हमारी बात हुई थी, लेकिन हमारी सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हो पाई क्योंकि वो स्वात में कोई क्योंकि महमूद खान वहां से खड़ा हो रहा है। अभी महमूद खान साबिक वजीर आला जो तहरीक इंसाफ के रहे हैं तो वो अब पार्लियामेंटेरियन उन्होंने ज्वाइन की हुई है परवेज खटक की पार्टी। तो परवेज खटक चाह रहे थे कि उधर की सीट पे एनपी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए और फिर आगे जाके बात हो। तो उनका स्वात में ही जो है वो मसला सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई क्योंकि ये तो कुछ सीट एडजस्टमेंट में ये होता है कि आपको कुछ अपनी पावरफुल सीटें भी जो है वो कुर्बान करनी पड़ती हैं बिल्कुल ताकि आप अगले से 3-4 सीटें दूसरी जगहों पे ले सकें, आपको लगे कि आपके वहां पे मजबूत कैंडिडेट्स हैं। तो इनकी ये सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था सीट एडजस्टमेंट के अलावा? मैंने ये दूसरा ये पूछना था कि तरीके इंसाफ के जो लोग मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं, सर कैसर खड़े हैं, मोहम्मद अली खान साहब खड़े हैं, क्या वो अपनी पार्टी को उस तरह लीड नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए था? इस टाइम पे एक माहौल ये बना हुआ है, अभी देखें आज भी असद कैसर के खिलाफ एक पेशावर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर हुई थी उनके कागजात के मंजूरी के खिलाफ। मतलब उनको इतना ज्यादा इंगेज रखा हुआ है ना, कभी हाई कोर्ट में, कभी किस जगह पे, कभी किस जगह पे, तो वो इतने ज्यादा इंगेज हैं कि वो अपनी कंपेन भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से कोई और भी कंपेन नहीं कर पा रहा। पहले तो ये जलसे के ट्रेंड निकले थे, बड़े बड़े पावर शो होते थे। अभी मानसेरा में अभी सिर्फ नवाज शरीफ का कह रहे हैं कि 22 तारीख को नवाज शरीफ आ रहा है अपने हल्के में एक पावर शो करने के लिए। देखते हैं कि ये पावर शो किस तरीके से करते हैं। दूसरा ये चाहिए ये था कि असद कैसर को पार्टी को संभाल लेना चाहिए था तमाम उम्मीदवार, क्योंकि इस टाइम पे पार्टी के जो सूबाई सदर हैं गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर, तो अली अमीन गंडापुर भी जो है उन पे भी काफी ज्यादा केसेस थे, कुछ रुपोज थे, कुछ गायब थे कहीं पे। मतलब उन्होंने पार्टी को उस तरीके से नहीं संभाला। और जो पार्टी के वर्कर्स हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो अपने डाल रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी के अगेंस्ट जो है कोई आजाद भी खड़े हो गए हैं, कई ऐसे भी हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने कागज विड्रॉल कर लिए हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो आजाद की हैसियत से खड़े हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जेलें काटी हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं। अभी तो मतलब ये भी एक मैच्योर पार्टी हो गई है। अभी तक इनको कहा जाता था कि ये इमैच्योर है, लेकिन अब ये भी एक मैच्योर पार्टी हो गई है क्योंकि इन्होंने भी जेलें काट ली हैं, इन्होंने भी सियासी कैद कर काट ली है। इनको भी पता चल गया है कि सियासत होती क्या है, सिर्फ गुस्सा करना और किसी को बुरा भला कहना ही सियासत नहीं है। इन्होंने बुरा वक्त देख लिया। तो अभी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ भी एक मैच्योर पार्टी के तौर पर अभी आइंदा के इलेक्शन में या आइंदा हुकूमत में तहरीक इंसाफ जो है वो एक मैच्योर पार्टी के तौर पे सामने आएगी। नहीं, आप कह रहे हैं आइंदा हुकूमत, आपको लगता है जो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो कल को पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, वो किसी दूसरी जमात को ज्वाइन नहीं करेंगे? मुझे अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी मुझे नहीं लगता, कोई इक्का दुक्का इस तरीके का कर ले तो कर ले, लेकिन मेजॉरिटी मुझे इस तरीके से नहीं लगता कि वो लोग जो है कुछ पैसों के लिए या कुछ पावर के लिए कुछ लोग जो है इस तरीके की अपने जमीर बेचेंगे। इसको जमीर बेचना ही हम कहेंगे क्योंकि आपको एक पार्टी के टिकट, आपने पार्टी ने आपको टिकट दिया है, आप पे एतमाद किया है, फिर आपको वहां के हल्के के लोगों ने आपको उस पार्टी के नाम पे वोट दिया है। उसके बाद आप जब जीत जाते हैं आप असेंबली में जाते हैं और असेंबली में जाने के बाद जब आप हुकूमत बन रही होती है तो आप अपोजिशन में बैठने की बजाय जो है आप हुकूमत में बैठने को तरजीह देते हैं और किसी सीट के लिए आप दूसरी पार्टी में को ज्वाइन कर लेते हैं या आजाद हैसियत से आप हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। फिजान भी बहुत शुक्रिया, हम आगाए बगाए आपसे केपीके की जो इलेक्शन है उस पर मालूमात लेते रहेंगे, आपको तंग करते रहेंगे। आपने एक अच्छी बात की कि आपको नहीं लगता कि लोग अपनी वफादारियां तब्दील करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो मेरा छोटा सा इलम है या मैंने जितनी स्टडी किया इलेक्शन को, मुझे तो नहीं लगता कि आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे, मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं।
नहीं एक तो पहली बात कि मैं तंग नहीं होता, बिल्कुल आप भाई हैं, हर वक्त आप कॉल करें, हम अवेलेबल हैं यहाँ पे, हमारा काम ही ये है, मीडिया से हम ताल्लुक रखते हैं तो हर वक्त मीडिया पे ही हम होते हैं। तो मुझे नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन होंगे पर वक्त होंगे, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि लोगों की सारी तवज्जो जो है वो एक तरफ है, तो वो तरफ जो है वो अपनी ऊपर से तवज्जो हटाना चाहते हैं और इलेक्शन करवाना चाहते हैं, चाहे उसके बाद महंगाई होती है, मुल्क के हालात जो भी बनते हैं, तो फिर आवाम जो है आवाम को किसी को बुरा भला कहने के लिए और लोग मिल जाएंगे कि ये वजीर इस तरह, ये प्राइम मिनिस्टर इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, तो वो अपने ऊपर से तवज्जो हटा के इन पे लाना चाह रहे हैं, इस वजह से इलेक्शन जो है वो बरवक्त वो करवाना चाह रहे हैं, वरना ये टाइम नहीं था मेरे ख्याल से इलेक्शन होने का, ना मुल्की हालात ऐसे थे ना चीजें ऐसी थी, लेकिन उसके बावजूद इतने इख्तलाफात के बावजूद मुस्लिम लीग नून JUI बहुत बड़ी पार्टीज हैं, ये नहीं चाह रही थी कि इलेक्शन हो, सिर्फ पीपल्स पार्टी ANP चाह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए। ANP तो चले सूबे के लेवल की पार्टी है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो नेशनल पार्टी है, वो एक पार्टी चाह रही थी कि इलेक्शन हो जाए, तो उसके बावजूद भी वो इलेक्शन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन बरवक्त होने जा रहे हैं। फिजान भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी, थैंक यू सो मच। अब हम आपको इलेक्शन के करीब फोन करेंगे, पूछेंगे कि KPK में क्या माहौल चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।